यूनियन बैंक वाराणसी क्षेत्र के महाप्रबंधक सीएम मिनोचा ने शनिवार को जनपद के बेतियाहाता स्थित बैंक की ब्रांच का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में क्षेत्र महाप्रबंधक सीएम मिनोचा ने बताया कि यूनियन बैंक रिटेल, एग्रीकल्चर और शासन की योजनाओं को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि आंध्रा बैंक के यूनियन बैंक में विलय हो जाने से यूनियन बैंक देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक बन गया है और बैंक के व्यवसाय में काफ़ी वृद्धि हुई है। यूनियन बैंक डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों से अपील कर रहा है और लोगों को बैंक की सर्विस के बारे में बता रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा ग्राहकों को फ़ोन करके सरकार की योजना, मुद्रा लोन, तरुण योजना की जानकारी दी जा रही है, जिससे इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से जिन लोगों का नुकसान हुआ है, बैंक उन लोगों का लोन के माध्यम से सहायता कर रहा है। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप योजना के तहत जिन लोगों में योग्यता है, वह लोग बैंक को अपनी स्कीम सबमिट करें, उनकी योग्यता के अनुसार उनको बिजनेस करने के लिए ऋण दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वाराणसी क्षेत्र महाप्रबंधक सीएम मिनोचा ने कहा, सर कौन था? थोड़ा देर बाद बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोगों के लिए बहुत बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे हमारे अच्छे कस्टमर्स आए थे और बाकी हमारे फिर सुबह से ही आज जो है शाम का बड़ा ही निधि कार्यक्रम रहा है। सवेरे आई एम वेरी हैप्पी टुडे, द वार्म वेलकम यू हैव गिवन मी यस्टरडे एंड टुडे आल्सो एट गोरखपुर, इट इज़ माई मिडन विजिट, दो आई हैव बीन टू दिस जोन अर्लियर, आई हैव वर्क्ड इन सिकरारा ब्रांच इन 95 to 98, so I have better experience of working in the rural branches also. But I have seen since I have come that Gorakhpur region is performing very well, and in September the region has achieved targets in 8 main business parameters. No region has achieved 8 business parameters. Congratulations to all staff of regional office, staff of several and staff of branches, all the branches. It is the contribution of all of you that this good performance has come out. Central office ke saath abhi piche LGMs ka review hua tha, uske andar bhi main jo India ke 8-10 region the, usme Gorakhpur ka bhi naam tha jinhone 8 sector mein it has been recognized duly. Aur baaki bhi jo kaam chal raha hai रिटेल के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी पीछे 50 का टारगेट दिया था, 50 व्हीकल्स फाइनेंस करने का एक पीरियड में, उसमें भी सिर्फ गोरखपुर रीजन में 50 व्हीकल्स फाइनेंस करे। और जब भी कोई कॉल देते हैं वीकली रिटेल की, तो गोरखपुर रीजन उसको बड़ा बड़ से पूरा करने का। अदरवाइज भी MSME में भी अच्छा काम कर रहा है, एग्रीकल्चर में थोड़ी ब्रांचेस कम है इसलिए थोड़ा स्कोप कम हो जाता है, लेकिन MSME में यूनियन सुविधा में भी टारगेट पूरा कर लिया है, इसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। रीस्ट्रक्चरिंग, रिव्यू, रिन्यूअल, उसके अंदर भी अच्छा काम हो रहा है। तो हमें और कासा के अंदर भी टारगेट पूरे किए हैं, कासा में भी थोड़ा उम्मीद है कि और अच्छा काम होगा, खासकर करंट अकाउंट के जिले में उसको एवरेज मेंटेन करो। CMCV में अच्छा काम कर रहा है, पीछे बात होती थी PM स्वादिधि में देर रात रात तक बैठ के काम किया, एक बार थोड़ा मान लीजिए के साथ बैठ में बैठा होता था, अच्छा सर बात होती थी सही नहीं कहा था। थैंक यू, वो भी एक बड़ा अभियान था, पूरे जोन दोनों जोन ने अच्छा काम किया, प्रधानमंत्री वर्चुअल संवाद किया, यूनियन बैंक का भी नाम दिया गया, एंड प्राइम मिनिस्टर बात जारी नी दी एफर्ट्स ऑफ दी बैंकर्स, यस प्रेस्ट ऑल दी बैंकर्स for completing this project of PM Swani in very short time. You are doing very well. So I wish you all the best. Now the management has decided that
instead of quarterly achieving the target, we should concentrate on target achieving on monthly basis. And the branches of the regional office see the all the branches see the regional office as a guiding. We have to support them. They are our customers. So, अगर हमारे यहाँ आरोग्य सभी department चुस्ती से और मुस्तैदी से काम करेंगे तो उतना ही branches अच्छा काम करेंगे. We have to support them, guide them. तो हमें अभी मंथ वाइज टारगेट लेके चलना है. जो भी गैप्स हैं, जो नेगेटिव ब्रांचेज हैं, उनको मोटिवेट करना है कि वो अपने नेगेटिविटी से बाहर आएँ. पहले इस तरह आएंगे, बार बार उनको जितना फॉलो अप करेंगे, जितना टच में रहेंगे, जितना मिलेंगे, या खुद जाएँ या वहाँ पर आएँ या वी सी से बात करें, उनसे टच में ज़्यादा रहिए. कहाँ उनकी परफॉर्मेंस में लैकिंग है, यू गाइड करें, तो उतना परफॉर्मेंस आएगी. जितना फॉलो अप करेंगे उतना ही परफॉर्मेंस आएगी. इट इज़ द प्रूवन मेथड. और जितने भी नए कैंपेन आ रहे हैं सभी चल रहे हैं, क्योंकि 6 महीने पीछे कोरोना में काफ़ी लोगों को परेशानी हुई, लेकिन फिर भी हमने अच्छी सर्विस दी. क्रेडिट रोड टू आदि बैंकर्स, काफ़ी लोग पुलिस में बीमार हुए, फिर भी ऑफिस कम बंद हुए, काम चलता रहा. तो उसके लिए भी मैनेजमेंट आप सबके को धन्यवाद देंगे जो आपने काम किया अच्छा बीमारी के टाइम में. तो कभी हमें इस वजह से डबल काम करना पड़ा. 6 महीने का लॉस हुआ है, उसको पूरा करना है हमारे को मार्च में. लेकिन स्लिपेज के भी चांस ज़्यादा है आफ्टर मॉरेटोरियम. स्लिपेज के उसको स्लिपेज को रोकना है थ्रू रिस्ट्रक्चरिंग और OTS की स्कीम आई, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सेटल करके उसमें रिकवरी लाए. सभी कैंपेन में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं. तो कुछ ब्रांचेस कुछ कैंपेन में अच्छा नहीं देती, काम करती कुछ अच्छा करती हैं. तो हर एक ब्रांच किसी किसी कैंपेन में तो आगे रहे, ऐसी ब्रांच ना हो जो किसी कैंपेन में भाग ना ले. उनको मोटिवेट करना, एटलीस्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए. जैसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, अभी अभी कैंपेन चल रहा है, हर एक का कैंपेन चल रहा है. थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी पूरे टारगेट को काफ़ी हद तक पहुंचा देता है एंड इट मोटिवेट्स. किसी भी कैंपेन के हम टारगेट पूरे करते हैं तो हमारे मोटिवेशन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है दैट वी कैन डू इट. तो आर ओ का बहुत ही मेन रोल है कि ब्रांचेज के टारगेट को. Everybody is doing very well. Keep it up and I hope that this region will continue to remain number one in Africa. अभी हम इधर देख रहे हैं कि किस तरह हम रिटेल एडवांसेस को बढ़ाया जाए. एग्रीकल्चर, MSME, गवर्नमेंट के जितने भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें कैसे हम डेवलपमेंट में अपना साथ दे सकता है बैंक, उस तरफ हम बिजनेस को बढ़ाने के देख रहे हैं. कस्टमर्स को मिलाया गया है आंध्रा बैंक को. हाँ, व्यापार में एक तो बैंक इससे मजबूत हुआ है, बैंक बड़ा है, भारत का ये 5वें नंबर का बैंक हो गया है. और इसमें हम डिजिटल का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करके और नए प्रोडक्ट ले आए हैं, हमने अपनी पॉलिसीज़ को रिफाइंड किया है, तो बेटर कस्टमर सर्विस दे के इससे बिजनेस को भी हम बड़े लोन कर पाएंगे, क्योंकि बैंक स्ट्रांग बन गया है और डिजिटल माध्यम के थ्रू हम अपनी सारी सर्विसेज देंगे. इस तरफ काम चल रहा है तो बैंक और कस्टमर दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है. सरकारी योजनाओं को लेकर लोन है, जैसे मुद्रा लोन, जहाँ जहाँ हमारी बैंक की शाखाएं हैं हम खुद कस्टमर्स को कॉल करके अपनी नई नई स्कीमें बता रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं. और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की जितनी भी स्पॉन्सर्ड स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, तरुण योजना, इस तरह का हम सब जगह उसमें लोन करके उनको अभी जो कोरोना में जो उनका नुकसान हुआ है उसके उत्थान के लिए हम पूरी बैंक पूरी तरह से मदद कर रहे हैं. सर, स्टार्टअप के लिए बैंक के द्वारा क्या गारंटी? स्टार्टअप के लिए जो भी उनके पास जिनके पास योग्यता है, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना प्रोजेक्ट जो है बैंक में सबमिट करें और जिस भी स्कीम के तहत उनकी योग्यता होगी उनको पूरी ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी.